इसी बीच सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी का स्वागत के दौरान भाजपा ही भिड़े। दरअसल जिला अध्यक्ष पवन मोदी पर बरसे भाजपा से निष्कासित पूर्व पदाधिकारी प्रत्याशी सुभाष महरिया के कहने से निष्कासन का आरोप लगाया और अध्यक्ष पवन मोदी ने पार्टी के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया। भाजपा जिला मंत्री भगवान सिंह घाड़ा और किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष शिव भगवान बागड़िया ने जिला अध्यक्ष को इसमें खरी खोटी भी सुनाई। निष्कासित पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष पवन मोदी से जोरदार कहा सुनी की और भाजपा जिला मंत्री भगवान सिंह ने जिला अध्यक्ष पवन मोदी को कहा कि बकरी कार्यकर्ताओं ने समझाइश करके मामले को शांत करवाया। मैं क्या काम किया मैंने ये बता, मेरा कोई लेटर बैठ लेटर बैठ किन का लेटर लेटर बैठ चुप चुप इधर बैठ लेटर लेटर बैठ इधर आ इधर आ यहाँ कर अबे इधर बैठ क्या करता है ये बैठ तू क्या नहीं किया किसान मोर्चा पार्टी जो भी काम बताती है वो बराबर उससे भी ज़्यादा काम कर रही है, तो इनको ये चीज़ रास नहीं आ रही है। और मैंने मेरे फील्ड में जो भाजपा के लिए सभी विधानसभाओं में काम किया है तो वो तो सबको पता है भाई, मैं तो फील्ड में था। और हमारा जो लक्ष्मणगढ़ एरिया है उसमें कोई भी एक आदमी यदि सामने ला के ये कहलवा दें कि भाई इन्होंने पार्टी के विरोध में काम किया है तो इनकी बात है ना, हम स्वीकार करेंगे। तो देखिए जो पूरा मामला है वो सीकर से यहाँ पर सामने आया है। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी के स्वागत के दौरान ये भाजपाई जो है वो आपस में भिड़े और जिला अध्यक्ष पवन मोदी पर जमकर जो है वो यहाँ पर भाजपा से निष्कासित पूर्व पदाधिकारी बरसे, उनसे कहा सुनी भी हुई। बताया जा रहा है कि प्रत्याशी सुभाष महरिया के कहने से निष्कासन का आरोप उन्होंने लगाया है और भी कई अपशब्द कहे हैं और इसको लेकर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे हमारे सहयोगी अशोक सिंह शेखावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अशोक, आखिर किस बात को लेकर इतनी नाराजगी देखने को मिली जहां पर आपस में भिड़ गए भाजपा? देखिए ये जो है विधानसभा के चुनाव के अंदर जो है दो पदाधिकारी हैं, जिला मंत्री हैं भगवान सिंह घाणा और इसके अलावा किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष हैं शिव भगवान सिंह बगड़िया, इन दोनों को जिलाध्यक्ष ने निष्कासित कर दिया था ये आरोप लगाते हुए कि इन्होंने सुभाष महरिया के खिलाफ जो है विधानसभा चुनाव में खिलाफ प्रचार किया था, पार्टी के खिलाफ प्रचार किया था। इस बात को लेकर के नाराज थे और आज दिया कुमारी जब जा रही थी इससे पहले भाजपा कार्यकर्ता जो है सीकर के जो त्रिलोकपुरा चौराहा है वहां पर इकट्ठा हुए थे। यहाँ पे ये भगवान सिंह घाणा और श्री गोविंद सिंह बगड़िया दोनों ने जिलाध्यक्ष के साथ में कहा सुनी की है, काफी देर तक जमकर बहस हुई, उसके बाद में भाजपा पदाधिकारियों ने इनको शांत कराया है। उनका आरोप था कि आपने हमारे को बिगर जांच की जो है निष्कासित किया, जबकि जिलाध्यक्ष का कहना था कि जो भाजपा के प्रत्याशी थे सुभाष महरिया उनकी रिपोर्ट पर उनके कहने पर आपको निष्कासित किया। इस बात को लेकर के दोनों के बीच तीनों के बीच में जमकर बहसबाजी हुई है, जमकर बहस हुई है। जी जी ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।